Sri Kamakhya Prasad. Again, you call, sir. Sri Kamakhya Prasad. Speak. Honorable Speaker, abhi hum log ka RP Sharma ji bola. Abhi Assam ka halat do MP ne bola. Fir hum log dekh rahe hain Brahmaputra jo erosion kar raha hai, flood kar raha hai. Ye sabse dangerous position mein hai abhi. Mera constituency jo hai. उसका वो डिस्ट्रिक्ट में माजुली होता है. माजुली सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है. इसका आधा पूरा ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द माजुली पूरा ब्रह्मपुत्र ने इरोजन में लेके गया. उसके बाद फ्लड जो सिचुएशन है अभी, फ्लड बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट से है. ये डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, बरपेटा, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द असम इज नाउ अंडर फ्लड. अभी हम लोग देख रहे हैं असम गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है, असम गवर्नमेंट कुछ कर नहीं पा रहा है. असम गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है, उनका पास पैसा भी नहीं है क्या फ्लड को कंट्रोल करे. फिर भी ओनली बाय गिविंग रिलीफ्स असम गवर्नमेंट इज डूइंग देयर ड्यूटी. ब्रह्मपुत्र जो अथॉरिटी है, रिवर अथॉरिटी है, हम लोग ब्रह्मपुत्र बोर्ड बोलते हैं. ये बोर्ड भी अभी व्हाइट एलिफेंट का जैसा हो गया, इसका कुछ काम भी नहीं है. अभी असम में जो फ्लड होता है, इसका असर पूरा इकोनॉमी में होता है. इकोनॉमी पूरा विध्वस्त हो गया, खत्म हो गया इकोनॉमी. माजुली में, जोरहाट में जो या एक साल में आदमी लोग कमा लेता है पैसा, और फ्लड में, फ्लड आने के बाद उन लोग का सब खत्म हो गया. अभी मोर देन 10,000 फैमिलीज आर इन दी माथौरी में. वहां पर जो बैंक है वहां पर उन लोग है. अभी हम लोग देखा है क्या, जो ब्रह्मपुत्र अथॉरिटी है और सेंट्रल गवर्नमेंट वाटर मैनेजमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का डिजास्टर मैनेजमेंट है अथॉरिटी है, इन लोग भी कुछ काम नहीं कर रहे हैं. आसाम ऐसा स्टेट हो गया. अभी आसाम में फ्लड होने के बाद हम लोग देख रहे हैं वहां पर एपिडेमिक भी बहुत ज्यादा हो रहा है, बीमार भी हो रहा है. इसके लिए कंट्रोल के लिए कुछ ऐसा जितना इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो नहीं है. डिजास्टर मैनेजमेंट अभी गुजरात गवर्नमेंट से असम गवर्नमेंट ने कुछ कोलाबोरेशन लिया है. हम लोग को वहां पर जानकारी है क्या, गुजरात गवर्नमेंट का डिजास्टर मैनेजमेंट असम को भी हेल्प कर रहा है. लेकिन डिजास्टर मैनेजमेंट ऐसा लगता है क्या, कोई प्री उन लोग को कोई ऐसा नहीं है, जानकारी नहीं है कब फ्लड होगा, क्या होगा, ऐसा नहीं होता है. अभी देखिए, अभी फ्लड के लिए स्पीकर सर, यहां पर फ्लड के लिए जितना आदमी लोग का टेंशन हो रहा है, वहां पर हर साल आदमी जितना कमाई करता है वो फ्लड में चला जाता है उन लोग का. अभी फसल भी नहीं है, पूरा जो जमीन है, कृषि भूमि है, वहां पर पूरा सैंड हो गया, पूरा बाली वहां पर है. तो ऐसा लगता है क्या, डिजास्टर मैनेजमेंट और हम लोग का जो वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट है, ये वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट भी पूरा ठप हो गया. मिनिस्ट्री में भी प्रॉब्लम है, वहां पर असम का प्रॉब्लम, असम गवर्नमेंट का बात छोड़ दीजिए. अभी मैं मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करूंगा, हम लोग का सेंट्रल गवर्नमेंट से नया गवर्नमेंट आया है, हम लोग का गवर्नमेंट, हम लोग आशा करते हैं क्या, हम लोग का गवर्नमेंट जो है इसको पूरा माइनसली देखे. असम नॉर्थ ईस्ट का इकोनॉमी जो है, इसमें पूरा इट इज लिंक टू इट इंसर्जेंसी ऑल्सो. इंसर्जेंसी का कारण है वहां पर जो फ्लड में प्रॉब्लम हो रहा है. फैमिली लोग बहुत विध्वस्त हो गया, उन लोग का इकोनॉमी खत्म हो गया. लड़का लोग अभी क्या हो गया, अब जॉब नहीं है. तो इन लोग फ्लड में अफेक्टेड जो फैमिलीज है, इन लोग भी वहां इजी मनी का चक्कर में भी पड़ गया. बहुत सारे लोग, बहुत सारे वो फ्लड अफेक्टेड का एरिया लोग बेंगलोर, बॉम्बे, गुजरात में नौकरी कर रहे हैं लड़का लोग. अभी ये उन लोग भी बोल रहे हैं हम लोग को, हम लोग फ्लड में विध्वस्त है, हम लोग का खाने के लिए कुछ नहीं है, पानी पीने का पानी नहीं है, हम लोग क्या करें. फिर आसाम से उन लोग बाहर आ रहे हैं. इसीलिए इसको भी सोशल प्रॉब्लम जैसा देखा जाए. केवल ओनली ये खाली डिजास्टर मैनेजमेंट का दृष्टि से नहीं, सोशल एक रेस्पॉन्सिबिलिटी का हिसाब से भी देखा जाना चाहिए. अभी मेरा जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है जोरहाट, वो असम का चीफ मिनिस्टर भी वो कॉन्स्टिट्यूएंसी से ही है जोरहाट से. वो जो अभी इरोजन हो रहा है, फ्लड हो रहा है, मैं देखा वहां पर जैसा काम होना चाहिए वैसा काम नहीं है. अभी निमाटी का आधा पूरा फ्लड में विध्वस्त है. धेमाजी अभी हम लोग का स्पोर्ट्स मिनिस्टर का जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो भी डूब गया. नौगांव अभी गौरव गोगोई जी बोल रहा था उसका भी कॉन्स्टिट्यूएंसी डूब गया. तेजपुर डूब गया. डिब्रूगढ़ का एमपी यहां बैठा हुआ है. सब हम लोग का असम 78,000 स्क्वायर किलोमीटर का है, वहां पर इतना बड़ा फ्लड हो गया, हम लोग को रहने के लिए जगह नहीं है. और सबसे बड़ा बात है क्या, काजीरंगा नेशनल पार्क जो है उसमें भी फ्लड में बहुत अफेक्टेड होता है.
वो बहुत जो जितना वहां पर ये होना चाहिए एनिमल्स है उन लोग के भी लाइफ का सेविंग होना चाहिए। इसीलिए मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से दरखास्त करूंगा क्या इसको पूरा इंडिया में फ्लड है, पूरा वर्ल्ड में फ्लड हो रहा है, लेकिन आसाम का फ्लड जो है हम लोग का एरिया बहुत कम है, ये एरिया अगर वहां पर रीजनल फ्लड में चला जाएगा हम लोग के रहने के लिए बहुत प्रॉब्लम होगा सर। इसीलिए मैं आई रिक्वेस्ट यू टू इंस्ट्रक्ट आवर मिनिस्टर्स टू लुक इन टू दी मैटर वेरी सीरियसली। थैंक यू।